जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज होने वाली है बहुत अच्छी अच्छी बातें वीडियो के लास्ट में। पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पे जिमीकंद की सब्जी और तड़का तुड़का मैंने डाल दिया है। फुल रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि बहुत बार जिमीकंद बता चुकी हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा था वो डाल दिया है और दो तीन प्याज काटे थे। और पीछे जो है ये चावल में तड़का दिया था शानू जब स्कूल से आया था, तो रोटी नहीं बची थी। ऐसा करना पड़ता है भाई, कभी कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है तो फेंकने भी नहीं। ये शाम को भी हम यही खाएंगे और चपाती लगाएंगे साथ में थोड़ी सी। और तो ये अभी हमारे हो चुका है, ये देखो। अब मैं इसमें जो पीसूंगी टमाटर, ठीक है, टमाटर मैंने इसमें डाल दिए। पीछे मसालदानी भी आपको दिख रही है, मसालदानी का ढकना भी है। आप बोलेंगे तो हमारे को भी दिख रहा है, कई बार मैं ऐसे ऐसे बातें बोल देती हूँ। तो ये टमाटर है जो कि मैं पीसूंगी और ये मैंने पीस दिए टमाटर। अब मैं इसमें डालूंगी, हो चुका है हमारा तड़का। अब मैं टमाटर, एक दो चीज़ें लानी है मुझे घर के लिए, छोटे छोटे बर्तन चूल्हे के मिट्टी के तो हैं। और अब कुछ नया करते हैं, बहुत हो गया, बहुत बहुत दिन हो गए बस यही चीज़ें दिखाते हुए। तो आज मैं एक मिट्टी की हांडी है मेरे पास, छोटी छोटी हांडी है, उनमें चाय भी बहुत अच्छी बनती है। तो उसको जो है ना, मैं पता क्या करूँगी, उसमें पहले तो तेल रचाना पड़ेगा हमें, बहुत सारा तेल, ठीक है। और चलो वो बातें बाद में। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी अपना ये मसाले जो भी मैंने डालने थे, नमक हल्दी थोड़े से गर्म मसाले, वो भी मैं इसमें पका लूँगी अच्छी तरह से। और कोई तला हुआ जिमीकंद नहीं है और बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें और नहीं लगाया ग्रेवी, गाढ़ी ग्रेवी के लिए कुछ भी नहीं लगाया। कई बार मैं वो अपना लगा देती हूँ आरा रोट जिसको बोलते हैं, वो लगा देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और बहुत अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है और अब डाल दूँगी मैं इसमें जिमीकंद। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, ये देखो दरदरा जैसा है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, जो हमने बनाई थी ग्रेवी वो ज़्यादा बारीक नहीं है। और आजकल अच्छी खासी धूप है, लेकिन भाई एक बहुत दुख की बात है कि बारिशें नहीं हो रही है, बहुत बिल्कुल बहुत दुख की बात है। तो बारिशें होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जिमीकंद जो मैंने काट के धो लिया था बहुत अच्छी तरह से। और आगे एक सब्सक्राइबर की शिकायत है जिसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ आगे वीडियो में, बहुत अच्छा बना था हमारा जिमीकंद। और इसके बाद इसी चीज़ के ऊपर है वो, जो हमारे सब्सक्राइबर ने जो शिकायत करी थी वो इसी बात के ऊपर है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और बहुत अच्छा यहाँ से आपको व्यू दिखने वाला है। घर बैठे आप बिल्कुल पूरा आनंद लीजिए प्रकृति का, कुदरत का। और चलिए अब मैं आपको सुबह मिलूँगी जाके। तो अभी बज चुके हैं दूसरे दिन के 11:30 हो चुके हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, हमारी एक बहुत ही अच्छी देखने वाली है, नाम मैं भूल गई उनका, उनको एक शिकायत है मुझसे, बहुत अच्छी शिकायत है, सिर्फ शिकायत है और मैं उसको हेट कमेंट नहीं बोल सकती। तो उन्होंने बोला है कि दीदी आप पहले जैसा वीडियो, मतलब जब आप खाने का वीडियो बनाते हो ना, तो अब हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अब जानते हो रीज़न क्या है? रीज़न है कि आप पहले ना खाना बनाते थे और खाते हुए भी दिखाते थे, अब आप खाते हुए नहीं दिखाते। बिल्कुल सही बोला आपने, तो मैं सिर्फ बनाते हुए दिखाती हूँ। तो वो बोलते थे कि हमें आपका बैठ चूल्हे के पास बैठ के खाना बहुत अच्छा लगता था, तो उस चीज़ को मैं बहुत पसंद करती थी और मैं अपने ऑफिस में सबको दिखाती थी। तो क्या नाम है उनका, ममता कुछ ऐसा नाम है, सॉरी मैं नाम भूल गई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे याद करवा दी, सही बात है। वो चीज़ सच्ची में अब थोड़ी थोड़ी स्वास्थ्य की वजह से भी थोड़ा मैं टल जाती हूँ कि अब कौन फिर से कौन बनाएगा, आलसपन आ जाता है जब हम ठीक नहीं होते ना, तो थोड़ा आलसपन आ जाता है। तो ऐसी बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, गर्मियों में मैं ठीक रहती हूँ क्योंकि गर्मियों में खून का सर्कुलेशन अच्छा बन जाता है, खून गाढ़ा भी नहीं होता और सर्वाइकल भी नहीं होता, जोड़ों में भी कोई दर्द नहीं होती। तो अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी और शिवरात्रि आ रही है तो आज देखती हूँ। और आज घर में पता है कोई आने वाला है, कौन आने वाला है, मेरी अम्मा आने वाली है। और अभी अम्मा का फ़ोन आया था, अम्मा रास्ते में आ चुकी हैं, तो पता नहीं बस आने की नहीं आनी। और आज गाड़ी भी नहीं यहाँ पर, हनी गाड़ी लेके गया है कहीं काम से, तो अगर कुछ नहीं मिला तो फिर मैं गाड़ी वाला भेजूंगी यहाँ से, कोई उसको दे देंगे पैसे, पर अम्मा को लेके आ जाएगा। आपको अब अम्मा के साथ वीडियो देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे तो आपकी ये शिकायत मैं ज़रूर दूर करूंगी बहन जी। आपने बहुत अच्छा कमेंट किया मुझे, मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई। तो उन्होंने बोला कि अब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप खाते हुए नहीं दिखाते, चूल्हे के पास बैठते हुए बैठे होते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, थाली डालते हुए
तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही। और ऐसे कमेंट किया करो आप लोग भी, आपको पुराने वाली क्या चीज़ चाहिए। मैं तो भूल गई हूँ, 2-3 साल पहले वीडियो बनाती थी, तो अब जैसे दिन प्रतिदिन ना होता ही, आप लोगों को मैंने बता दिया कि कुछ हमारे स्वास्थ्य की वजह से हो जाती है चीज़। आया कोई परे, कौन आया होगा, गाड़ी वाला, एक मिनट, कौन गया, गया कोई गाड़ी लेके, पर पता नहीं कौन गया। तो देखो मैंने कितना सारा प्याज नींद दिया अकेली ने ही, ये देखो यहाँ पे ये वाला क्यारा रह गया, ये मैंने सारा नींद दिया खुद ही, और ये वाला क्यारा भी, अब ये वाला बच्चा था इसमें लगी थी नींद, ने ओ पर एक कुदाली भी पड़ी हुई है। एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ आपको, यहाँ ऊपर की साइड है जिनके ना, ये हमारे गांव वालों के जो भैया रही हैं उनके ये थे खेत, यहाँ पे जिनके खेत मेरे पास है ना ऊपर, दो जो बड़े बड़े खेत हैं, तो उन्होंने यहाँ पे काम वाले लगवाए हैं, मतलब उनके रिश्तेदार हैं। तो अब देखो घर कितना, यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने, ये पेड़ छांट के लकड़ियां काट दी, लियाना बोलते हैं हमारे इसको, कांटे वगैरह साफ कर दिए। एक मिनट थोड़ा ऊपर से दिखाती हूँ, ये देखो वो परे से आए साफ करते, वो परे से इनका, वो इन्हीं दीदी और इनका था है। तो अब पीछे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता था ना, अब ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, ये देखो अब पार से भी घर बिल्कुल सामने दिखाई पड़ता है हमारा यहाँ को, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखो। तो ऐसे मतलब ये काम वाले, अब खुद तो शिमला में ही है ना, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी होती है, वो नहीं आ पाते, आते हैं वो ना, पर वो आते हैं जैसे छुट्टी होती है संडे को, तो उसी टाइम आते हैं फिर। तो उन्होंने काम वालों को लगाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको परली साइड से। अब घर के चारों तरफ, अब ना हमारा घर चारों तरफ से बिल्कुल खुला खुला सा हो गया, ये वाला जो यहाँ पे था बहुत ज्यादा झाड़ वगैरह वो सब काट दिए, ये लोग औरों के थे वो उन्होंने काट दिए यहाँ पे, ये देखो ये अपने यहाँ पे ये भी काट दी। तो यहाँ पे लगे हैं काम वाले, दिखाती हूँ। तो ये देखो इस साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था पहले, अब देखो कितना अच्छा हो गया है। तो ये लगे हैं काम वाले, मैं चारों तरफ से दिखाती हूँ आप लोगों को, बस थोड़ा सा बचा इनके पास आगे, तो हमारा घर चारों तरफ से खुला खुला हो गया। ये देखो ये सारे इन्होंने लकड़ियाँ काट के ना ढेर लगा दिए। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाती हूँ मैं घर के ना साथ में, पेड़ सभी साथ में घर के। देखो जोजो कहाँ पड़ा, जोजी मेरा बच्चा गया, मेरा बग्गू, मेरे गुगु, मेरे बाबा, मेरे गुन्नू नहीं है मम्मा, हूँ तेरा बच्चा नहीं है, हूँ तेरा गुगु नहीं है मम्मा, मेरे डुगू आए, मेरे डुगू सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, अपनी मम्मा के बगैर कितने कुछ जानता नहीं अपनी मम्मा के बगैर, हाँ इसलिए मम्मा है ये मेरा बेटू आ, मेरा बेटू आ, तीजा बेटू आ मेरा, इतना प्यारा बच्चू आ, चल जा। तो ये देखो अब यहाँ से कितना घर के साथ थे जो पेड़, वो चेरी के स्मॉल चेरी वो सारी ये देखो उन्होंने छांट दी, तो घर अब बिल्कुल, ये देखो इस साइड से ये पेड़ ना इधर घर के साथ छू रहे थे, तो इन्होंने इस बारे बिल्कुल साफ सुथरे कर दिए। तो ये देखो अब हमारा बिल्कुल सन एरिया, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है यहाँ पे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ छत के ऊपर इतनी गर्मियों में तो इतनी अच्छी हवा चला करेगी ना, सर्दियों की हवा तो नहीं लगती बिल्कुल भी ठीक, बहुत ठंड लगती है, पर अब गर्मियों में बहुत अच्छा हो जाएगा। पीछे का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत प्यारा दिख रहा है, और ये देखो अब घर कितना, एक मिनट में दिखाती हूँ, नहीं तो पेड़ पेड़ दिखते थे ना, अब बिल्कुल नहीं दिखते, सारे काट दिए इन्होंने। ये देखो मतलब पेड़ नहीं काट, ऐसे काट छाट करनी पड़ती है हमारे यहाँ, तो लकड़ियाँ बहुत सारी लकड़ियाँ वो पार से लगे थे ये करने, वो पार से लगे थे करने, उनका ये उन्हीं दीदी और रिका है ना, तो वो पार से लगे थे करने यहाँ को, इस तरह को इस तरह। तो अब ना बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, और
खुला खुला हो गया हमारा मकान चारों तरफ से। अब मेरा दिल लग गया यहाँ पे लगने, कई दिन नहीं लगा मेरा दिल यहाँ पे, मुझे बड़ा अकेला सा लगता था, लेकिन बहुत अच्छे हैं अकेले, बहुत अच्छे, ना किसी की सुनी ना किसी को सुनाई, बस अपने वीडियो में मस्त रहती हूँ मैं। और शाम के टाइम तो फिर अम्मा के साथ वीडियो आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो हवा, देखो कितनी प्यारी लग रही है, सामने का व्यू दिखाती हूँ वो देखो पार। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते रहिए। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक बहुत कम आते हैं, पता नहीं क्या हो गया, इस महीने बहुत ही ज़्यादा डाउन में चला गया दोनों महीनों में हमारा ऑलराउंडर चैनल। प्लीज़ इसको बूस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बढ़ाइए बस अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर वो बात हो जाती है कि बोलने क्यों अगर नहीं आती, तो कोशिश करती हूँ कोई वर्ड बोलने की, वैसी नहीं आती मेरे को उतनी अच्छी। तो कल तक आपको फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाएंगे घर के ऊपर ही। मेरे को शाम को ध्यान आ रहा था कि घर के लिए हमें किसी ने क्या ताना दिया था। अच्छा लगता है मुझे स्टोरी सुनाना, और परमात्मा की कृपा मतलब कि ये हो जाती है कि नहीं, भगवान है और हमारा साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं कि साथ नहीं देते। सामने गाँव दिख रहा है हमारा, तो मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना अब यहाँ से, जब मन भी मतलब शरीर हमारा ठीक होता है ना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, शरीर ठीक नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जय माता दी, राम राम, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लास्ट में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता दी।